लास्ट वीडियो में आप लोगों ने लिखा था कि मैं क्राबी से फीफी आइलैंड आ रहा था फेरी से, एंड फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। एंट्री पे लोगों ने 100 बाट लिए हैं एनवायरनमेंट फीस या एंट्री फीस के नाम पे, एंड 100 बाट अप्रॉक्सीमेट इंडियन रुपीज़ में 250 रुपये हो जाते हैं। थाईलैंड में कोई भी मोटराइज व्हीकल अलाउड नहीं है, कुछ भी बाइक टैक्सी कुछ भी होता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मोस्टली एंड छोटा आइलैंड है तो मोस्टली सारे डिस्टेंस वॉक करके कवर हो जाता है। तो मैं वॉक करके अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। मेरा जो हॉस्टल है वो फीफी आइलैंड के मेन मार्केट में ही लोकेटेड है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। फेरी पॉइंट से अराउंड 150 मीटर्स होगा। हॉस्टल में चेक इन करने का मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। फाइनली मैं थोड़ा घूमने निकल गया हूँ, शाम का टाइम हो चुका है अभी। ये सामने वाले लोग अभी बीच से निकले स्विमिंग करके। वैसे अभी अंधेरा हो गया तो मैं कल फिर दिन में आऊँगा, बीच सारे एक्सप्लोर करूँगा। फिर स्ट्रीट में काफ़ी सारी डिपेंडेंट शॉप्स हैं, वही मार्केट ही है एक तरीके से। हर तरह के शॉप है, फूड रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे, टूरिस्ट बुकिंग पॉइंट एंड ट्रैवल वाली शॉप, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पर काफ़ी। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं यहाँ से डिनर करके वापस हॉस्टल चले जाऊँगा, एंड कल मॉर्निंग में फिर आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन पद थाई ऑर्डर किया है, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस डिश है। मॉर्निंग दोस्तों, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो मैं बीच की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ जाके मैं आपको बीचेस दिखाता हूँ एंड थोड़ी बहुत ड्रोन के वीडियोस भी शूट करूँगा। यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू है, पर ब्लू वाटर एंड ब्लू स्काई एंड बहुत सारे सेलिंग बोट है हर जगह, काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पर काफ़ी सारी बोट हैं, कुछ फिशिंग वाली बोट हैं, कुछ बोट्स जो टूरिस्ट को लेके जाती हैं, एंड यहाँ पर काफ़ी स्कूबा डाइविंग भी लोग करने आते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी बोट हैं जो स्कूबा डाइवर्स को लेके जाती हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। मुझे यहाँ के वैसे ड्रोन फ्लाइंग के रूल्स पता नहीं है, बट मैं जाके आइलैंड के दूसरी साइड जाके जहाँ थोड़ा खाली एरिया होगा वहाँ जाके थोड़े ड्रोन के फुटेजेस शूट करता हूँ। जब से मेरा साउथ ईस्ट एशिया का टूर स्टार्ट हुआ है फाइनली जाके वेदर थोड़ा क्लियर हुआ, नहीं तो हमेशा से बारिश चल रही थी। यहाँ वेदर क्लियर है तो थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ वैसे मैं जो ओपन में घूम रहा था काफ़ी गर्मी है, वैसे मैं कैप लाना भूल गया है। वापस थोड़ी देर में हॉस्टल में आऊँगा तब जाके कैप लेके आता हूँ, बट अभी काफ़ी गर्मी है, धूप भी है। फाइनली कुछ अच्छे ड्रोन फुटेजेस आ रहे हैं इस सीरीज़ में, जैसे पहले हमेशा ही ओवरकास्ट कंडीशन रहता था, कुछ क्लियर नहीं दिखता था। इन्जॉय द वीडियोस।
मुझे किसी ने बताया कि आप उस लेफ्ट राइट चले जाओ, वहाँ पर काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं एंड उसके सामने प्राइवेट एंड नॉर्मल पब्लिक बीचेस भी हैं जहाँ जाके स्विमिंग कर सकते हो। तो मैं उधर ही जा रहा हूँ स्विमिंग के लिए। ये बीच में इन लोगों ने मार्कर्स लगा रखे रोप से ताकि कोई स्विमिंग करके ज़्यादा डीप ना चले जाए, ये सेफ पॉइंट है। बट हाँ, मैं जिन लोगों को स्विमिंग अच्छे से आती है वो लोग तो जा सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था तो मैंने यहाँ से भी ड्रोन के कुछ फुटेज रिकॉर्ड करने का सोचा। एंड यहाँ पर इस वाले डायरेक्शन में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं एंड जो सामने वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है वो मार्केट एरिया है। इस आइलैंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं एंड इस वाले साइड में यहाँ बहुत सारे सेल बोट्स हैं, लोगों ने आके एंकर कर रखा है। काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है, लोग सेलिंग करके यहाँ पर आते हैं, एंकर करके रुकते हैं एंड देन डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड जाते हैं। थोड़ी देर स्विमिंग करने के बाद मैं सेट करके जाके लंच करता हूँ एंड मैं ऐसे ही वॉक कर रहा था स्ट्रीट में तो मुझे एरिया देखा, ये कुछ यहाँ पर काफ़ी सारे फूड के प्लेसेस हैं एंड ये कुछ फूड कोर्ट टाइप का लग रहा है वैसे एरिया। जब से यहाँ पर मैं आया हूँ मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि इस आइलैंड में हजारों कैट्स हैं, जिस भी जगह जाओ, जहाँ भी स्ट्रीट में जाओ, बीच में जाओ, हर जगह कैट्स इजीली मिल जा रहे हैं एंड सारे मोस्टली फ्रेंडली हैं। लंच करने का थोड़ी देर जाके मैंने हॉस्टल में रेस्ट कर लिया था एंड यहाँ से मैं दूसरी डायरेक्शन वाले बीचेस में जा रहा हूँ। साइड में बीचेस काफ़ी बड़े हैं कंपेयर टू दूसरी वाली साइड, मतलब बहुत सारे दूर दूर में भी हैं काफ़ी सारे बीचेस, बट ये जो मार्केट एरिया से बहुत नियरेस्ट में बीच हैं। दूसरी वाली साइड में वहाँ पर जेटी पॉइंट भी था जहाँ फेरी जाती है, बट इस साइड में वैसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बोट्स हैं जो यहाँ पर सेलिंग करके आए हुए नॉर्मल बोट्स हैं, बट वैसे बीच काफ़ी बड़ा है वाला साइड में। मैं वॉक करके कोई डिफरेंट एक बीच है वहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास कुछ करने को है नहीं, तो मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह बीचेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई कर रहा हूँ। सुबह उठ के बीच में आ गया हूँ, जैसे आज निकलने वाले यहाँ से, सोचा कि कुछ ड्रोन की वीडियो बना लूँ। फीफी आइलैंड में टू नाइट का प्लान था वैसे, बट यहाँ पर आराम से इजीली 3 से 5 दिन आराम से रुक सकते हैं। कोई वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो ज़्यादा भी रुक सकते हैं, उसके अलावा जैसे फूड वूड डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ फीफी आइलैंड में कराबी एंड फुकेट दोनों जगह से ही फेरी आती है एंड मल्टीपल टाइमिंग्स में आती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में भी है। दोनों साइड के डिपार्चर डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग का है। दो टाइप की फेरीज हैं, फास्ट फेरीज एंड स्लो फेरी। जो फास्ट फेरी 1 घंटे में पहुँचा देती है, अराउंड 1000 से 1400 baht चार्ज करती है एंड जो थोड़ी स्लो फेरी है उसको 1.5 से 2 घंटा लगता है एंड 400-500 baht चार्ज करती है, जो कि 400 baht अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपये हो जाते हैं। अपने हिसाब से आप लोग चूज़ कर सकते हो कि कौन सी फेरी में जाना है। AM मेरी यहाँ से फेरी है फुकेट के लिए एंड फुकेट में मेरा टू नाइट रुकने का प्लान है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो फुकेट देखने को मिलेगा। सो बी ट्यून्ड।